अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह सुबह हम लोग कराची पहुंच गए थे भाई। घर आके मैंने एडिटिंग शेडिटिंग की, अपना काम से हम कंप्लीट किया, उसके बाद भाई नाश्ता वाश्ता करके मस्त होके सो गया था। अभी तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी सो के उठ के फ्रेश हुए, खाना भी रेडी हो गया, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। और आप लोग सोच रहे हो अनस भाई कब अपने घर जाएंगे और अपना घर रिवील करेंगे। भाई पहले तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। खाते हैं भाई फटाफट से दोपहर का खाना। खाने में आंटी ने हमारे लिए स्पेशल चिकन पुलाव बनाई है, तो खाते हैं भाई फटाफट से दोपहर का खाना और इस व्लॉग को करते हैं यहीं से। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। खाना शाना खा लिया, अब चलते हैं फटाफट से अपने घर, अपना घर रिवील करते हैं। और हमारे घर में ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी क्योंकि हमारे घर में चारों तरफ एसी लगे हुए। अब्दुल्ला मैं तो बोल रहा हूँ भाई कुछ पहन ले, वहां पे ठंड वंड से बुखार शुखार ना हो जाए। अब्दुल रहमान ये देखो, अब्दुल रहमान उल्टी उल्टी हरकतें सिखा रहा है अली को। वो देखो गिरा गिरा ना, चड्डी पहनिए वहां पे ठंड वंड लग जाएगी आपको। चलो चलो चलो, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज, और गाइस आप लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये देखो अबे गिर गिरा जाएगा, पता चले बैटरी निकलवानी पड़े तेरी। यार कहां किस किस को रोकूं भाई, मैं हरकतें शुरू हो गई। मस्तियां कहीं लग वग गई ना फिर पता चलेगा। चलो चलो चलते हैं भाई फटाफट से अपने घर। फाइनली फाइनली हम लोग अपने घर आ गए। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो हमारा घर देखने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना चारों तरफ एसी लगे हुए, तो भाई दिखा देता हूँ, इतना बड़ा चिलर लगा हुआ है। ये देखो ये एसी है, तो यहाँ से एंटर होते हैं हम लोग। सर्दी लग रही है, यहाँ से एंटर होते हैं हम अपने घर में। ये हमारी एंट्रेंस है, ये दरवाजा है। ये देखो भाई बाहर से बड़ा VIP व्यू आपको आएगा गली का पूरी। यार घर रिवील हो जाएगा, फिर सारे बच्चे बच्चे आके तंग करेंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि नीचे हमारे दाया अबू भी रहते हैं ना। ये देखो भाई ये हमारा घर है, आज फर्स्ट टाइम तुम्हारा भाई दिखा रहा है। पहले ना मैं बहुत ज़्यादा शर्माता था, यहाँ हम लोग रहते थे। ये देखो गद्दा शद्दा है, इसी पे सोते थे, इस पे मैं गद्दा बिछा के मैं अली और अब्दुल्ला सोते थे। पलंग पे मामा पापा पलंग पे पापा सोते थे और सेठी पे मामा सोती थी, मतलब इस तरह हम लोग रहते थे यहाँ पे। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी भाई, मैं ना अब्दुल रहमान लोगों के घर पे जाके व्लॉग व्लॉग बनाता था, अपना घर नहीं दिखाता था क्योंकि भाई मुझे शर्म आती थी। बोलता था भाई घर दिखाऊंगा तो अजीब सा फील होगा। लेकिन भाई अब तुम्हारे भाई का लेवल है 10 मिलियन सब्सक्राइबर भाई, खड़े खड़े पूरी गली खरीद सकता हूँ यार। ज़्यादा लंबी हो गई है, चलते हैं अब आपको। ये देखो आते साथ नहीं यार आग लग जाएगी घर में, लग तो गई थी, लग भी गई थी। अभी आप लोगों को अंदर से पूरा घर दिखाते हैं भाई, बहुत गंदगी हुई है। अब्दुल्ला सफाई कर यार, वैसे एक दो दिन ना हम लोगों को यहीं पे रहना पड़ेगा क्योंकि जब तक हम लोग कोई घर नहीं ले लेते तो यहीं पे रुकेंगे क्योंकि मामा पापा भी कल पहुंच जाएंगे। अभी आप लोगों को अंदर से रिव्यू देता हूँ पूरे घर का। जल्दी हमारे 20 मिलियन सब्सक्राइबर की कंप्लीट करा लो, उससे पहले ये देखो। ये देखो भाई ये हमारा किचन था, छोटा सा किचन, बर्तन शर्तन रखे हुए ठीक है। ये सिंक था, सिंक का पाइप भी नहीं था, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था। और भाई सीन ऐसा था जब बारिश आती थी ना तो भाई यहाँ पे समझो हम बारिश में नहाते थे, ये छत से पानी सारा पानी यहाँ जमा हो जाता था। ये हमारी ये देखो भाई बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, यहाँ पे सारा पानी यहाँ से हमारे कमरों में आता था। मतलब यार बहुत मुश्किल दिन हम लोगों ने गुजारे, तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा है। अभी चलते हैं, ये देखें ये हमारा ड्रेसिंग है ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, तो ज़्यादातर ना आप लोगों को हमारे घर में गाड़ियों शाड़ियों का ही सामान मिलेगा, हर जगह गाड़ियों का सामान पड़ा हुआ है। ये देखें ये भी गाड़ियों का सामान है, ड्रेसिंग में भी सारा गाड़ियों शाड़ियों का सामान है, और किचन भी आप लोगों को दिखा दिया। ये दो पीछे के रूम है, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। ये देखो ये जब अली छोटा सा था ना, जब हम लोगों ने पलंग लिया था अब तो भाई कबाड़ बना हुआ है, तो भाई इसलिए हम लोग गांव शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी हम लोगों ने तकरीबन दो साल इस घर में हम लोगों ने सर्वाइव किया है। सामान सामान यहाँ पे सारा तकरीबन गाड़ियों का ही आपको मिलेगा, इसमें भी सारा गाड़ियों का सामान है, इसके अलावा पंखा भी उतरा हुआ है। चलो चलो चलो, हाँ यहाँ पे कबूतर भी आते हैं। और ये वाशरूम है, खैर इस वाशरूम को हम यूज़ नहीं करते थे, जिस वाशरूम को यूज़ करते थे ना वो वाशरूम भी आपको मैं दिखाऊंगा, 5-स्टार वाशरूम। आज से पहले कभी आपने वैसा वाशरूम नहीं देखा होगा। हमारा बेड से मुझे को कबूतर बैठे हैं वहाँ पर, यहाँ पे आके कबूतर भी बैठते हैं, दिन में सो रहे होते थे हमारे ऊपर आके कबूतर। हाँ भाई सीन ऐसा था यहाँ पे ना, पूरा दिन मुर्गियाँ बिल्लियाँ कबूतर, मतलब यहाँ पे आप लोग देखो कहीं भी आपको दरवाज़ा नहीं लगा वह नज़र आएगा, मतलब हम लोग दरवाज़ा भी एक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। माशाल्लाह अब तो हालात ठीक हो गए, मैंने आप लोगों को बताया था कि बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे चले गए थे। अब माशाल्लाह माशाल्लाह फिर से अल्लाह ताला ने अपने पाँव पर खड़ा कर दिया, पता नहीं किसकी कॉल आ रही है। और ये आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आपको इस कमरे में भी ना
पूरा गाड़ियों शाड़ियों का सामान मिलेगा। ये देखो हमने जो करोला सेल कर दी उसका आगे वाला ये पड़ा हुआ है लोगो, ये आयल पड़े हुए, मतलब सारा गाड़ियों का सामान मिलेगा और गत्ते शत्ते पड़े हुए। ये ड्रेसिंग है भाई, क्या हालत हुई है हमारी ड्रेसिंग की, ऐसा लग रहा है वैसे हम लोग कबाड़ खाने में आ गए। अब्दुल्ला अब्दुलरहमान, अबे भाई सफाई पे लग जाओ, तुम्हें किस लिए लेके आया हूँ? चाटियाँ जलाना नहीं है, चाटियाँ लगा के साफ करो सारा। ये हमारी अलमारी थी यार, अलमारी का भी देखो बुरा हाल हुआ है, ऊपर कुराने पाक भी रखे हुए यार। ये उतार के ना अब्दुल्ला, ये ऊपर से उतारो सारे कुराने पाक, ठीक है यार? यहाँ पे हमारे पास ये मोबाइल लेने की, ये मोबाइल था भाई। अलमारी भी दिखाता हूँ, इस अलमारी में मेरे कपड़े भी पड़े हुए होंगे, मैं आप लोगों को कभी खुल जा सिमसिम, इसकी चाबी कहाँ अब्दुल्ला? अलमारी खोल यार, ये कुराने पाक में हम लोग सेव कर देते हैं। और ये देखो भाई, आप लोगों को एक शेर भी पढ़ाता हूँ, लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। भाई ये रियलिटी है, माँ जितना प्यार ना कोई भी नहीं कर सकता, और हमारी भी जो मामा है ना हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो आप लोग भी अपनी मामा का ख्याल रखा करो और अपनी मामा की हर बात माना करो भाई। चलो चलो खोलो अलमारी, ये देखो भाई हर जगह गाड़ियों का सामान, यहाँ पर अलमारी में भी गाड़ियों का सामान आपको नज़र आएगा। यहाँ पर हमारे कपड़े शपड़े पड़े हुए और मोबाइल के डब्बे शब्बे यार, आप उल्टे उल्टे ऐसा लगा अली ने समझ जाओ आगे पुर की आवाज आई यार, चीजों में नहीं घुसो। इधर इम्पोर्टेंट सामान भी रखा हुआ, जो मैंने मोबाइल लिया था ना वीवो वाइट व्लॉग बनाया था उसी का बॉक्स पड़ा हुआ, आईफोन के भी बॉक्स पड़े हुए, इसमें कीमती सामान पड़ा हुआ। अब्दुल्ला अलमारी बंद कर दे, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किसी चीज ने काट लिया। हाँ भाई, यहाँ पे कीड़े मकोड़े, और तकरीबन ये काफी अरसे से ना घर बंद था, तकरीबन 3-4 महीने पहले हम लोग जब आए थे ना, जब यहीं पे रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाया नहीं था। आज फाइनली मैंने रिवील कर दिया, मैंने बोला दिखाना चाहिए और आपको सर्वाइव करके भी दिखाएंगे। अभी मामा छामा बोल रहे हैं यार, दिमाग घूम गया, गर्मी यहाँ पे बहुत है, तो मामा आ जाएंगी ना यहाँ की, अब्दुल्ला भी सफाई कर देगा, फिर हम लोग 1-2 दिन यहीं पे रहेंगे जब तक हम लोग कोई न्यू घर नहीं ले लेते यहाँ पे। और आप लोगों को वाशरूम भी दिखा देता हूँ भाई, 5-स्टार वाशरूम, आज से पहले वैसा वाशरूम आपने कभी नहीं देखा होगा। तो भाई ये देख लो वाशरूम है, ये वाशरूम का गेट भी नहीं है, ये पर्दा ना यूं लगा होता था, और ये देखो पर्दे का भी क्या हाल हुआ है, पर्दा भी फटा हुआ है। तो ये हम लोग वाशरूम जाते थे, अंदर से हमारा वाशरूम फुल जाले वाले लगे हुए हैं भाई, क्या हाल, मुझे तो खौफ आ रहा है वाशरूम से। ओए होए होए, वैसे ये भूतिया घर है, इसमें बंदा लिविंग 24 आवर भी कर सकता है। अब्दुल्ला इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये देख यार चाटियां लगा के साफ कर, फोटियां जमी हुई हैं, काम है तेरे लिए। अब्दुलरहमान अंदर जाओ ना यार, 5-स्टार थोड़े, हाँ दिहाड़ी भी दे दी, चल अब्दुल्ला निकल। अरे भाई आप लोगों को पूरा रिव्यू दे दिया हमने अपने घर का, शुक्र अदा करते थे ऐसा घर में रहने का, जब भी अल्लाह ने हमको इतनी तरक्की दी और हमारे टर्निंग से बराबर हो गए। गाइस बस आप लोगों की सपोर्ट है, हर हाल में ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, मतलब कभी भी ना अपने आप को ये नहीं फील करना चाहिए कि यार मैं, मुझे अल्लाह ने किस हाल में रखा हुआ है, बस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये देख लो हमारे घर का एक भी दरवाजा नहीं था, ये भी किचन था, और यार कुछ ना कुछ जला दोगे यार तुम। यहाँ पे कैट ने ना बच्चे दिए हुए थे, और मतलब यार इस घर में सरवाइव करना ना बहुत मुश्किल था, बस हमारे हालात ऐसे थे। तो आप लोगों को पता है जब इंसान मजबूर हो तो वो हर हाल में रहता है, और अल्लाह का शुक्र फिर भी अदा करना चाहिए। और हमारे पास एक बाइक भी थी जिसको मैं पराडो बोलता था, वो मेरे पापा ने ना अपने ड्राइवर को दे दी। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे एक न्यू बाइक भी लूँगा, तो आप लोगों ने रेकमेंड करना है कि मैं 125 लूँ यार। 125 लेने का ना ये चक्कर है यहाँ पे कि यहाँ पे ना 125 छीन भी सकती है, और मैंने ये सोचा हुआ है इंशाल्लाह ना एक सिक्योरिटी गार्ड भी हम लोग रखेंगे अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है हमारे पास इतने महंगे महंगे फ़ोन्स होते हैं, सारा डाटा वगैरह सब कुछ है, तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। और भी बहुत सारे काम है, और हमारे पास कपड़े नहीं होते थे ना, तो हम लोग लंडे से लेके आते थे कपड़े। यार अब सारी बातें बताओगे क्या? सारे रास खोल रहे हैं। ये देखो हर चीज, ये तो भाई अली आहिस्ता आहिस्ता करके सारे रास खोल रहा है, मतलब आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितना मुश्किल इस जगह सर्दी में भाई इस तरह
फका फक हवा आती थी यहाँ से, और पूरी रात हम लोग सर्दी में ठिठरते रहते थे। मतलब सब कुछ दिखा रहा है अली, ये देख लो भाई, मतलब वायरिंग भी नहीं हुई हुई, ये बल्ब लगाया हुआ है, फैन है, और मतलब ये इतने पैसे नहीं थे हमारे पास कि हम लोग ये घर बना लेते। नीचे हमारे तायाबू रहते हैं, उनका तो घर बना हुआ है। खैर बाहर से मैं आप लोगों को घर इसलिए नहीं दिखा रहा, घर रिवील हो जाएगा फिर सब आगे तंग शंग करेंगे। तो भाई वैसे भाई तंग शंग करने का मसला पता है क्या है, अगर हमारा अपना भी घर होता ना तो मैं रिवील कर देता, लेकिन भाई आपको पता है ज्वाइंट फैमिली है तो फिर दूसरे लोग तंग होते हैं। बाहर वैसे जो भी सब्सक्राइबर मिलता है ना, मैं यार उससे दिल से प्यार करता हूँ और उससे अच्छे तरीके से मिलता हूँ। तो आप लोग भी कभी मिलोगे तो आपको मिल के पता चल जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं क्या क्या काट रहे हैं खंजर खाने में। भाई हमारा घर है क्या, उल्टे सीधे नाम ले रहे हो, इसमें हमारा सामान शामान पड़ा हुआ है। नहीं यार ये नहीं खोलो, मैं तो बोल रहा हूँ मामा आके खुद ही सेटिंग वेटिंग कर देंगी। हथौड़ी जिससे माना भाई को कभी मार देता था। सर खोलना पड़ेगा लिया। मैं आपको एक और बात बताऊं भाई। चलो आपको छत पे लेके चलते हैं भाई, मेरे ताया अब्बू ने ना छत पे पूरी नर्सरी बनाई हुई है, तो आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखो एलोवेरा ही एलोवेरा लगे हुए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, स्किन पे लगाने चाहिए, स्किन के दाने शाने ख़त्म हो जाते हैं। छत से व्यू भाई बहुत ज़बरदस्त है, पूरी नर्सरी बनी हुई है। ये देखो ऐसा लग रहा नर्सरी आ गए, यहाँ बैठ के बंदा चाय शाय इंजॉय कर सकता है। ये सारे पौधे शौधे भाई मेरे ताया अबू ने बहुत मेहनत से लगाए हुए हैं। यहाँ पे वैसे केज भी है यार, कल मामा लोग ओरी को लेके आ जाएंगे तो इस केज में हम लोग ओरी को रख सकते हैं ना। और ये देखो भाई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे बैठ के बंदा मस्त एडिटिंग भी कर सकता है। उड़े भाई साहब माल्टे भी लगे हुए हैं यहाँ, तो यहाँ पे हर किस्म के आई थिंक पौधे लगे हुए हैं, हर किस्म का यहाँ पे पौधा है। और भाई सबसे बड़ी जो यहाँ की प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा इशू है। हम लोग पूरा दिन पानी मतलब भर भर के लेके आते थे इन कैनों में, मुझे अभी भी याद है कराची में भाई भरता था फिर इससे उसमें जाता था भाई, नीचे सीढ़ियों से लेके आते थे। और अभी भी यहाँ पे पानी का इशू ही है पंजाब में, ये कि बंदा पानी दिल खोल के इस्तेमाल कर सकता है। गाइस आप लोगों को एक और बात बताऊं, जब मैं बचपन में छोटा था ना नजर मेरे ऊपर चढ़ गई। अरे हाँ ये आपको सीन नहीं बताया, मतलब कितना था अली, पैदा हुआ था तकरीबन 10-15 दिन का होगा, तो मामा के साथ सोया था, मैं भी सोया हुआ था, मैं अली के ऊपर चढ़ गया था। शुक्र है भाई मामा की आँख खुल गए, वरना अली का सांस निकल जाना था उस दिन। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी जर्नी हम लोग बता रहे। बिल्लियाँ भाई यहाँ पे बहुत हैं, बिल्लियों ने बच्चे दिए हैं और फुल कॉली बिल्लियाँ हैं। ये देखो वो भाई कैसे देख रही है, ग्रीन आईज है, ग्रीन आईज है यार बिल्ली की। एक बात बताऊं, ये बोल रही है, हाँ बोल रहा है ना अब्दुल्ला काली बिल्ली रास्ता काट के गई है। अगर अब्दुल्ला ने काली बिल्ली का रास्ता काट लिया ना, बिल्ली आगे जाके मर जाएगी। बिल्ली डर के भाग गई काली बिल्ली अब्दुल्ला से, बोला ये कहाँ से अफ्रीका के जंगलों से काला अबशी आ गया। और हम लोगों का बेड भी दिखाना था, ये देखो बेड, बेड तो भाई सारा टूट फूट गया, मतलब सारा निजाम तहस नहस हो गया। चलते हैं भाई दोबारा से नीचे, देखो यहाँ बारिश आती है ना, आप लोगों को पता है पिछले साल कराची में कितनी बारिशें हुई हैं और इस साल भी कम नहीं हुई, इस साल भी हो रही है कराची में बारिश। और भाई पंजाब में तो शदीद गर्मी थी, यहाँ का मौसम माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है, और बारिश आती है ना छत पे पानी जमा हो जाता है और सारा पानी हमारे नीचे घर में आता है। इससे ना आपका सर खोल दूंगा मैं, तंग करके रखा हुआ अली ने। चलो भाई चलते हैं नीचे, आप लोगों को अपना घर तो मैंने दिखा दिया भाई, और अगर आप अरे नहीं करो तंग यार, लग लगा जाएगी मस्तियाँ, इतनी मस्तियाँ करता था ना अली भाई। ये देखो सीढ़ियाँ यहाँ की कैसी है, बंदा अली यहाँ से इतना गिरा हुआ है, इतनी चोटें लगी हुई जगह जगह। ये देखो ये पता नहीं कितनी जगह से अली के सर फटे हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। हरकतें नहीं करो, आ जाओ भाई अब्दुल्ला यार जल्दी से सफाई शफाई कर दे, तुम दोनों सफाई कर दो, 10-10 रुपए दिहाड़ी मिलेगी तुम्हें। मैं तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, मैं नहीं कर सकता क्या 10 मिलियन यूट्यूब में, घर पे नहीं आ जाओ सफाई करनी पड़ेगी।
सफाई करो, शाबाश शाबाश सफाई करो। ये थोड़े अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाएगी। हाँ ये तुम्हारी अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाएगी, कबाड़ शबाड़ जमा करके भेज देना। पसीने से भाई यहाँ पे तो बुरा हाल हो गया। और आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ, हाथ देखो मेरे पूरे काले हो गए। थंबनेल बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अली का पूरा फेस हम लोगों ने काला कर दिया और यहाँ बैठ के थंबनेल शमनेल क्लिक किया हम लोगों ने। आ जाओ यार, इसका मुंह साफ करो पहले तो किसी चीज से। किस चीज से करें इसका मुंह साफ हम लोग भाई? यहाँ पे तो बदबू भी बहुत आ रही है, यहाँ की सफाई सफाई करनी पड़ेगी। अब्दुल्ला ही करेगा, निकलते हैं भाई फटाफट से यहाँ से। इसका पहले मुंह साफ करो। नहीं करो, मुझे पता है ये कोई आग शाग लग गई ना यहाँ पे तो फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं आएंगे। अभी हम लोग रोड पे आए भाई, रोड पे इतना रश लग गया, सारे हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स आ गए। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो सारे बच्चे? इतने सारे बच्चे आ गए भाई। रुको रुको रुको, सबसे मिलेंगे भाई, सबसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे भाई। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? ओए इतने सारे बच्चे जमा हो गए, सारे बोलो सब्सक्राइब कर। भाई यहाँ पे तो फुल रश लग गया है। एक बच्चा साइकिल भी लेके आया भाई, इसकी साइकिल बड़ी एंटिक लग रही है। अली चलानी है साइकिल? ये वाली साइकिल चला लोगे? कहाँ गया अली, बच्चों में गुम हो गया? जी जी न्यू साइकिल दिलाऊंगा आपको, ये चला के चेक करो पहले, गिर विर नहीं जाना। अबे अली की तो भाई टांगे ही नहीं पहुंच रही हैं। ओए ओए गया गया गया, चलाओ चलाओ चलाओ। ओए 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 ओए, बचत हो गई, बचत हो गई। ओए भाई बच्चों की फौज है पूरी पीछे। ओए गिर गई साइकिल। अगर भाई पूरी बच्चों की फौज है, पूरा रोड जाम कर दिया बच्चों ने तो। चलो यार बच्चों बस बाय बाय, यार रोड जाम कर दिया है सारा बच्चों ने। जी क्लास जीटी रोड जाम करे सोनिए। कैसे हो? कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया था, मैं काम से चला गया था, अभी घर वापस आया हूँ। घर आके खाना शाना खाया और भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। कल हमारा ओरी पैरोट्स और माओ भी आ जाएगी। और आप लोग लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।